नागपुर में रविवार को महावितरण कर्मचारी पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किए जाने पर सोमवार को महावितरण कर्मचारियों ने आंदोलन किया। इस दौरान कर्मचारियों का कहना था कि उनके कर्मचारी अब अवकाश के दिन बिजली बिल वसूली के कार्य पर नहीं जाएंगे। साथ ही साथ उनके साथी पर हुए हमले की निंदा करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया गया। आपल्यामध्ये काही मतभेद असले तरी मनभेद नाही आहेत। कार्यप्रसंगी अशा संकटाच्या प्रसंगी सगळे एकत्र आहोत आणि आपण प्रशासन देखिए, ये घटना सिर्फ नागपुर में हुई ऐसा नहीं है। गत दो माह से ये पूरे महाराष्ट्र में सब प्रकरण होते जा रहे हैं और ये निंदनीय है और इसके लिए पूरी जिम्मेदार जो है ये डॉक्टर नितिन जी राउत है, क्योंकि इन्होंने जो घोषणाएं की थी, इन्होंने जो बोला था कि हम ग्राहक का 100 यूनिट का बिल माफ़ करेंगे, 200 यूनिट का माफ़ करेंगे, 2 महीने का माफ़ करेंगे, 1 महीने का माफ़ करेंगे, लेकिन माफ़ी किया नहीं। बाद में उन्होंने बताया कि इसको मुख्यमंत्री ने अप्रूवल दिया नहीं। भाई, तो आप सरकार में हो, पहले मुख्यमंत्री का अप्रूवल लेना था, बाद में घोषणा करना था, ये तो सादा लॉजिक है, ये किसी को भी समझता है। इन्होंने ऐसा ना करते हुए अपनी बढ़ाई बताने के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि हाँ, वो जो 4 महीने का बिल इकट्ठा जाने के बाद बिल करेक्ट बिल ग्राहकों को गया था, जिनको गलत बिल गया था उनका बिल भी वितरण ने करेक्ट कर दिया था, इमीडिएटली कर दिया था। सबके पास आया हुआ बिल बराबर था, उनके और जो थकित बाकी है वो भी बराबर थी, ग्राहक बिल भरने के लिए भी तैयार था, लेकिन ये घोषणाएं अगर नहीं होती तो ग्राहक ने अपना बिल भरा होता और आज हमारे कामगारों को जो मार खाना पड़ रहा है या फिर इतने जोर जो मारा जा रहा है, पब्लिक जो गाली कर रही है, दे रही है, गुप्ता कर रही है, और हमारा जब कंज्यूमर ये कर्मचारी जाता है तो उसके साथ मिसबिहेवियर जो होता है ये ना होता है, ये इसके लिए पूरे ये जिम्मेवार है। आज हम घोषणा करने वाले हैं कि आज के बाद हमारा कामगार ना छुट्टी के दिन जाएगा, ना वसूली करेगा। जो कंपनी का नियम है, कंपनी के नियम के मुताबिक काम होगा। अगर नियम के बाहर जाके ये प्रशासन या अधिकारी हमारे कामगारों पे जोर जबरदस्ती करके उनको बाध्य करते हैं तो उसके लिए हम आंदोलन की भूमिका लेंगे। और आज जो कुछ भी वसूली हो रही उसके 1% भी वसूली हमारा कामगार नहीं करेगा, ऐसी आज मैं आपको बताता हूँ। और ये जो घटना घटी है उसका निषेध करता हूँ सभी संगठनों के ओर से। महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडल, जहां कल एक कर्मचारी के साथ हादसा हो गया था, यह हादसे के लिए आज यहां आंदोलन किया जा रहा है। तो आइए यहां के गणों से जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था इस मसले में। मैं शिवानी थोटे, कैमरामैन राजेश के साथ, नमस्कार।